नवरात्रे के दिन आपने हमें यहाँ भेजा है और इन लोगों ने नवरात्रे की इस घड़ी में, शुभ घड़ी में इतने बढ़िया से गले लगाया है, तो एक तरफ जहाँ मैं इनका बहुत आभारी हूँ, वहीं तरह उसी तरह से मुझे थोड़ा दुख तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कि आज स्थापना दिवस पे और मुझे वो परिवार से छोड़ना, आज छोड़ ही दिया हमने परिवार, बहुत हो गया। वो धमकियाँ बहुत देते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया जाएगा, कब होगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो कब लेंगे, तो चुनाव के बाद लेंगे। नहीं लिया उन्होंने या नहीं ले सके बहुत सारे कारणों से, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है, मैं उनकी भावना का स्वागत करूंगा। कह के तो नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन हाँ, जो उन्होंने हरकतें की बहुत सारी पहले, जिसकी वजह से आज पूरी पार्टी बिखरी हुई दिखती है। ये दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी का दफ्तर मेरा ख्याल है होगी शायद सैकड़ों हजारों करोड़ के बनाए हैं यहाँ पे। यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में जिस तरह टेलीफोन से कोई सामने से गुजरा, कोई चाय लेके आया, उसको मेंबर बनाते गए, और बनाते बनाते कहते, कोई कहता है 11 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 7 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 10 करोड़ मेंबर है, पता नहीं कैसे बने, कब बने, कहाँ बने। मैं तो चश्मदीद गवा रहा हूँ, किसी ने टेलीफोन किया, पूछा क्या नाम है इसका, कहा ये बालमुकुंद, कब बना दो मेंबर इसको, ठीक है अपना मेंबर जो आए। शर्मा जी भी मेंबर बन गए, वर्मा जी भी मेंबर बन गए, बनते गए। और हमारे मोटा सेठ जो है, मोटा सेठ है आप समझ के क्या किसको है राम, वो अपने बोलते ही आते हैं, बोलने में क्या है, जितना जो चाहो प्रॉमिस करवा दो। यानी उनकी तो अब ऐसी जात हो गई है, इतने ज्यादा प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि जहां नदी नहीं होगी वहां भी पुल बनवाने का वादा कर देंगे वो। आप कहेंगे यहाँ तो नदियों नहीं खे हजू तक कोनो बात नहीं के बबुआ, पुलिया ले लो नदिया के काबा, नदिया तो कभियो आई कभियो चल जाए, नदिया तो टेम्पोरी भी है, पुलिया परमानेंट रही ना, रख लो पुल, अब बन जा फूल एक तरह से। तो ये जो है हुआ यहाँ पे, अभी देख लीजिए, मैं फिर से कहूंगा और कंक्लूड करूंगा कि आडवाणी जी को देख लीजिए, यहाँ पे यशवंत सिन्हा जी को देख लें, अरुण शौरी जी को खोज लें आप, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की तलाश कर लें, तो अभी अभी सुमित्रा महाजन जी के साथ जो किया है, क्या मतलब है। यह यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा था, क्या 75 के बाद लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं क्या, ये तो इतने मेच्योर होते हैं, इतनी मेच्योरिटी होती है, इतने बढ़िया। आपने देखा कितने शार्प हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी रहे हैं, आपने देखा कितने शार्प को, अभी कुछ दिनों पहले तो भी हमने देखा हमारे राम जेठमलानी जी रहे हैं, इनके पास इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है। हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखे कौन नहीं और कितना कितना बड़ा मेच्योर्ड आदमी नहीं है, अगर सही मानों में कहा जाए तो टैलेंट्स अगर है कहीं पे तो भारतीय कांग्रेस में ही है। भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि ये देश की ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं है, ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी की पार्टी तो है ही, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं, जो सत्य भुलाया नहीं जा सकता, वो ये कि देश की आजादी में या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि परहैप्स होली एंड सोली अगर कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस श्रेय के लिए तो वह ये हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी, हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी यानी अभी से हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी है, हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारा अपना परिवार है, और मैं इस परिवार के साथ आज जुड़ गया हूँ। इन्होंने हमारा स्वागत किया है, इसके लिए मैं तमाम अपने परिवार का आभार